की बस्ती गए 1992 से बसी हुई है। 22 साल के बाद में अब सरकार को याद आ रहा है कि ये बस्ती इलीगल है। सरकार ने ये लोगों को नोटिस दिया कि हम लोग तुम्हारे घर तोड़ने वाले हैं। जैसे ही बस्ती वाले लोगों को पता चला, वो लोग तुरंत इकट्ठा होकर भूख हड़ताल पर उसी दिन बैठ गए। हमारे बस्ती में नोटिस लगाया गया है, बोलते हैं कि हम थोड़े ही रूम तोड़ेंगे, मगर वो अभी बनाए रूम है तोड़ेंगे, तो अभी बनाए या और कभी बनाए वो हमको मालूम नहीं है। जब सरकार उनको मालूम है कौन से नए झोपड़े बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो नहीं बनते झोपड़े तो उनको रुकाना चाहिए ना। जब नए झोपड़े बनते तो उसको रोकना चाहिए, वो लोग को आके ये लोग रोक नहीं लगाते, बोलते कि तुम लोग रोको, हम लोग कैसे रोकेंगे। हमारी बस्ती में भी कहीं थोड़ा थोड़ा जगह है तो कोई भी आता है बना लेता है झोपड़ा। अभी इसलिए बैठे हैं कि जो बार बार ये नोटिस का झंझट है उसे बंद किया जाए, हमें रेगुलाइज किया जाए, हमारा नामकरण हो कि ये हमारा घर है, हमारे नाम से आर्डर फॉर्म या कुछ भी इशू करे कलेक्टर कि ये आपका घर है, इतना बाई इतना का है, जैसे 10x15 या 20x30 जो भी मतलब वो सरकारी इसमें आता है उसके तहत हमें घर देने का काम करे और टैक्स लागू करे, हम टैक्स देने को तैयार हैं। और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? लगभग कुछ 45,000 के लोग, लगभग 45,000 के आसपास। मैं 2004 से सब इसके वजह से ना रोड है ना गटर है ना बच्चों को शिक्षा का वो है अधिकार कोई चीज़ का, देखो खाली वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लीगल रहता है और हम लोग अनलीगल रहते हैं, के लिए हम अपने अधिकार के लिए आसन पर बैठे हैं, हमको हमारा अधिकार मिलेगा। इन लोगों का आंदोलन कामयाब रहा, आखिरकार प्रशासन ने 10 दिन के बाद मान लिया कि वो अब इन लोगों का घर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इन लोगों का घर खोने का डर अभी भी लगा रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि इन लोगों पर राजीव गांधी आवास योजना लागू करें। आप लोग मुंबई के कलेक्टर पर कॉल करके दबाव बनाए, इनका नंबर है 2651-4742 या 2655-6805। अम्बुजवाड़ी मलाड़ मुंबई से मैं जुलेखा सैयद, इंडिया अनहर्ड के लिए।